नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं बहुजन समाज के कार्यालय दिल्ली के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं जो जिन्होंने बहन कुमारी मायावती ने पूरी दिल्ली की जिम्मेवारी जिनके कंधों पे दे रखे हैं, चौधरी सुरेंद्र जी। चौधरी साहब, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप इधर आकर जी इधर आए तो तेरे से स्वागत जी। चौधरी साहब, अभी देश के अंदर 85% की जनसंख्या है और बहुजन समाज की जिसको बोलते हैं, और वो सारी के सारे बहुजन समाज के ही नहीं, देश विदेश की नज़र भी बहुजन समाज की पार्टी के ऊपर है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के ऊपर 2019 का इलेक्शन कहीं ना कहीं लगता है। तो इस बहुजन समाज की पार्टी की क्या रणनीति है इस इलेक्शन को लेकर? माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्र अध्यक्ष है, रणनीति बताने में तो माननीय बहन जी अपनी रणनीति बताती रहती है समय समय बुलाकर, और आदेश निर्देश करती है जो भी संगठन में जो भी जिम्मेदारी दी जाती है लोगों को जी। समय समय पर उनको बताया जाता है कि अपने क्षेत्र में जाकर। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी बूथ से लेकर दिल्ली प्रदेश तक का संगठन तैयार कर रही है, और अभी युवा भी अभी बहुजन समाज पार्टी में आना शुरू हो चुका है, क्योंकि माननीय बहन जी का आदेश है कि हम अपने मूल संगठन में 50% जिम्मेदारी देकर उनको सम्मान दिया जाए और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जोड़कर अपने मिशन को आगे दिशा देने का काम किया जा सके। तो आज बहन जी को इस देश के करोड़ों लोगों की चाहत बन गई है, क्योंकि जो 4.5 साल जो समय गया है देश के लिए, क्योंकि ये देश जो चलता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलता है, और इसमें जो हम देश के जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, तमाम ओबीसी है, मुस्लिम समाज है, या देश के गरीब समाज के लोग, सभी को देश के संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चली तो समय समय पर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर मौलिक अधिकारों पर चोट की गई है। यहाँ SC/ST का कानून आपने देखा, उसको तोड़ मोड़ा गया, पहले तो उनको निष्क्रिय कर दिया। आरक्षण के मामले को लेके आए तो उसको निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा का जो SC/ST दलित के साथ जो शिक्षा का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार दिया, उन अधिकार को धीरे धीरे वंचित किया जा रहा है। शिक्षा गरीब से दूर होती जा रही है, इस देश में धोरी शिक्षा लागू कर दी है। इन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब ABCD रैंक देकर जब यहाँ पढ़ता है, आगे चलता है, वो बच्चे पर अपना नाम लिखना नहीं आता, अपने बाप का नाम नहीं लेता। दूसरी शिक्षा इन प्राइवेट स्कूल में जाती है, जहाँ पहली क्लास का बच्चा थ्राउड इंग्लिश बोलता है। तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर ने कहा है, देश का IAS का बच्चा हो या देश का मंत्री का बेटा हो, सभी को सम्मान अधिकार है, शिक्षा को मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में जब कपिल सिब्बल जी शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने कहा कि पहली से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों को ABCD ग्रेड के पास कर दिया, उनको पढ़ना आए ना आए। एक उधर क्यों गरीब की मजबूरी है कि उसको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 वो बेसिक अपनी मजदूरी तय कर लेता है, पाता है पूरे महीने में। जब दो दो तीन तीन बच्चे सभी के होते हैं, अच्छे स्कूल की जो पढ़ाई हम करते हैं, तो 2,000 से लेकर 3,000, 4,000 करीब उनकी फीस होती है। माँ बाप के पेट से बच्चे का तभी बच्चे पढ़ाने की वो बात करता है, जब पेट से नहीं बच्चा कैसे बच्चे पढ़ाएगा, तो कैसे पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का काम करेगा। उसकी मजबूरी हो चुकी है कि देश की सरकारी स्कूलों में वो पढ़ाने का काम करता है, वहाँ शिक्षा देने से दूर कर दिया सरकार ने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, समय समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर चोट की गई है, मौलिक अधिकारों को उन पर वंचित किया गया है। आज पूरे देश की जानकारी हो चुकी है, ये देश जान गया है कि ओबीसी दलित मुस्लिम समाज के लोगों पूरे 4.5 अत्याचार शोषण उत्पन्न हुआ। ऊना का कांड हो, सहारनपुर का कांड हो, हरियाणा का कांड हो, गुजरात का कांड हो, तमाम देश के प्रदेशों में मेरे समाज के साथ शोषण उत्पन्न हुआ, मुस्लिम समाज के साथ हुआ, ओबीसी के साथ हुआ। जब देश के 85 लोगों ने जान लिया कि भारतीय जनता पार्टी हमें हक और अधिकार नहीं देना चाहती, हमें मान सम्मान नहीं देना चाहती, हमें देश में राजनीति सामाजिक आर्थिक हमें नहीं देना चाहती, तो आज लोगों का रुख बन गया है कि हमारे बीच में एक ही नेता जिसका नाम बहन कुमारी मायावती जी है। और जब भी अत्याचार शोषण हुआ पूरे 4.5 साल, माननीय बहन जी ने देश की लोक राज्यसभा में जाकर अपनी बात को मजबूती से रखा
या मुस्लिम का साथ अत्याचार हो रहा हो, या ओबीसी के साथ हो रहा हो, या SC ST के साथ हो रहा हो, या देश के जनरल लोगों के साथ भी अत्याचार शोषण हुआ, उस पर भी दमदार से पार्टी बहन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात को दमदार रखा और ये एहसास कराया इस देश के लोगों को कि माननीय बहन जी इस देश की दलित सोच ओबीसी समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है। तो आज लोगों की चाहत बन गई कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। उसी लक्ष्य के लिए आज ये देश नहीं, वर्ल्ड के लोग, विदेशी लोग, जनरली लोग भी हैं, वो भी चाहते हैं कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने।